और मेरे प्यारे भाई लोग, क्या हाल चाल है गाइस? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, फुल मस्ती करेंगे। सो गाइस, आज की वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं। आप लोगों में से ही बहुत सारे बंदे जानना चाहते हैं कि हमारी सीजन 1 से लेकर जितने भी इलाइट पासेस आने वाले हैं, वो सारे के सारे किस टाइप के इवेंट में रहने वाले हैं, एंड हाँ, उसे स्पिन करने के लिए हमें कितना डायमंड्स लगेगा। साथ ही साथ गाइस, आप में से बहुत सारे बंदों ने ये भी पूछा है कि हमारा जो बुया पास आने वाला है, उसे खरीदने के लिए कितना डायमंड्स लगने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों से बहुत सारे बंदों ने ये भी पूछा है कि 55 के 55 इलाइट पासेस सब एक साथ ही आएंगे या फिर अलग अलग इवेंट में देखने को मिलेंगे। सो यार, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, क्योंकि आप सभी ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, एंड यस, लिटरली सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वालों। एंड हाँ गाइस, साथ ही साथ हम लोग कवर करने वाले विंटरलैंड के इवेंट के बारे में, क्योंकि गाइस पिछली बार हमारा 17 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था विंटरलैंड का इवेंट, एंड उसमें से हमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले थे। सो इस बार का विंटरलैंड का इवेंट कब से स्टार्ट होने वाला है, वो भी आप सभी को बताने वाला हूं, एंड साथ ही साथ बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी दिखाने वाला हूं, लिटरली बहुत सारी चीजों का रिव्यू करने वाला हूं। सो यस गाइस, अभी से जितने भी वीडियोस रहेंगे वो सारे के सारे आपके काम के ही रहेंगे, इसलिए यार सब्सक्राइब कर लो जितने भी बंदों ने सब्सक्राइब नहीं किया, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट लेना, ताकि भाई आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो गाइस, ध्यान से समझना, अपनी जो इलाइट पास यानी ओल्ड इलाइट पास जो वापस आने वाले, वो आपको हॉल ऑफ इलाइट के इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग बैनर देख पा रहे हो, एंड ये इवेंट आपको 9 दिसंबर से स्टार्ट देखने को मिल जाएगा। एंड अब आप लोग बोलोगे कि भाई 55 के 55 इलाइट पासेस हमें एक साथ ही देखने को मिल जाएंगे क्या? तो देखो गाइस, 55 के 55 इलाइट पास आपको पर वीक देखने को मिलेंगे, यानी पहले वीक, यानी जैसे 9 तारीख से स्टार्ट होगा, तो 9 से लेकर के 7 दिन तक आपको इस सीजन 1 से लेकर के 18 तक देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके अगले वीक में आपको उससे आगे का देखने को मिल जाएंगे, यानी 18 से 36 तक के देखने को मिल जाएंगे। इस टाइप से आपको सारे के सारे इलाइट पास बैक देखने को मिलेंगे पर वीक, ओके। एंड साथ ही साथ बात करें इसके स्पिन की, तो देखो गाइस, ये चीज अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि भाई कितने डायमंड्स का स्पिन रहने वाला है, बट लीक्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ये आपको 15 से 2000 का स्पिन रहने वाला है। हां गाइस, आपको एक स्पिन के लिए कम से कम 15 से 2000 डायमंड्स लगेंगे, ये लीक्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, पूरा 100% कंफर्म नहीं हुआ है। सो इसे आप लोग कंफर्म मान करके मत चलना, लेकिन हां 50% कंफर्म मान सकते हो, ओके। एंड हां गाइस, जैसे ही मुझे इस इवेंट का इंटरफेस मिलता है, वैसे मैं आप सभी को दिखा दूंगा, एंड जब इंटरफेस मिल जाएगा तो आपको पूरा कंफर्म पता भी चल जाएगा कि भाई कितने डायमंड्स का स्पिन रहने वाला है। बट अभी के लिए तो 15 से 2000 ही मान करके चलो, क्योंकि भाई ये कम डायमंड्स का नहीं रहने वाला है, बहुत ज्यादा डायमंड्स का रहेगा। एंड इसीलिए भाई आपको मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि अगर आपके अकाउंट में डायमंड्स हैं तो जैसे भी बचा करके रखना है, बचा करके रखना है, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा रेयर का इवेंट आने वाला है, 9 तारीख से स्टार्ट देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ गाइस, बात करें बुया पास के बारे में, तो देखो यार, उसकी जो प्राइस रहेगी, यानी कितने डायमंड्स में आप लोग ले पाओगे, तो देखो यार, जो अभी आप लोग लेते हो नॉर्मली इलाइट पास, वो आपको 500 डायमंड में मिल जाते हैं, मतलब 499 डायमंड में मिल जाते हैं। बट वो बुया पास है, वो बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी देखने को मिलेगा, उसमें आपको ईवो टाइप का बंडल्स देखने को मिलेंगे, एंड ग्लू वॉल की स्किन लेजेंडरी वाली देखने को मिल जाएगी, मतलब बहुत ही ज्यादा शानदार से रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। सो उसका प्राइस आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है, यानी कि आपको 999 डायमंड्स रह सकते हैं, या फिर 700-800 डायमंड्स इस टाइप से रह सकते हैं, बट नॉर्मल इलाइट पास से शायद ज्यादा रहेंगे। बट इसके लिए अभी पूरा का पूरा कंफर्म लीक्स अभी नहीं आया है, बट अभी के लिए मान करके चल सकते हो कि अपनी जो नॉर्मल इलाइट पास है, उससे ज्यादा डायमंड्स लगेंगे बुया पास के अंदर। साथ ही साथ गाइस, बात करें हमारे विंटरलैंड के इवेंट के बारे में, तो देखो यार, जो अपनी पिछली बार यानी 2021 के अंदर विंटरलैंड का इवेंट आया था, वो 17 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था। सो इस बार भी कुछ इसी टाइप से देखने को मिल जाएगा, यानी 15 से 17 दिसंबर तक आपको इस बार का भी विंटरलैंड देखने को मिल जाएगा, या उससे भी पहले देखने को मिल जाएगा। एंड ये कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह आप लोग देख पा रहे हो, जो कि हमें विंटरलैंड के इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एंड बात करें विंटरलैंड के कैलेंडर की, तो देखो गाइस, अभी तो विंटरलैंड का कैलेंडर आया भी नहीं है, जैसे ही आ जाएगा तो मैं आप सभी को सबसे पहले दे दूंगा, एंड उससे आपको पता भी चल जाएगा कि कब से स्टार्ट होने वाले, कौन कौन से रिवॉर्ड्स हमें फ्री में मिलने वाले, किस टाइप के इवेंट्स रहेंगे, कौन से मिशंस रहेंगे, वो सारी की सारी चीजें आप सभी को पता चल जाएगी। सो इसलिए यार सब्सक्राइब कर लेना, मैं आप सभी को अभी बता रहा हूं यार, बहुत ही ज्यादा काम की वीडियोस आने वाली है अभी से भाई, समझ रहे हो कितना बड़ा इवेंट आने वाला है, आप लोग खुद ही सोचो ना यार, सीजन 1 से राइट पासेस बैक आ रहे हैं, सो उससे बड़ा इवेंट क्या हो सकता है फ्री फायर के अंदर। सो चलो यार, आज की इस
वाली वीडियो के अंदर इतना ही है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।